चले बाड़ी यस बाडी रिकॉर्ड कर दिया हूँ यस बाडी यस बाबू बेबी गुड्डू सोना जानू भिंडी रोना ना करो भिंडी रोना तोड़ देंगे तुम्हारा कोना कोना बट होने नहीं देंगे तुमको कोरोना आई मीन टू से हो आप लोग क्या हाल चाल और बवाल आप लोगों का चले गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून कौन से फ्लोर पे हो आई एम वन सेकेंड फ्लोर बेबी सेकेंड फ्लोर गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी वेरी गुड गुड मॉर्निंग जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साहिबान कदरदान मेहरबान क्या हाल चाल और बवाल आप लोगों सब बढ़िया सब चंगा मैं भी चंगा मेरा प्यों भी चंगा सर एग्जीक्यूटिव मॉडल टू कब से होगा आफ्टर डिसम्बर आप कैसे हो आई एम गुड बॉडी आई एम गुड चलिए डूइंग फैंटेस्टिक जोरदार है जबरदस्त है शानदार है देखो पहला चैप्टर हमारा हो गया दूसरा चैप्टर हमारा हो गया है वी गोना मूविंग फर्दर टूवर्ड्स दिस चैप्टर नंबर फोर सर थर्ड नहीं करेंगे तीसरा वाला करेंगे डेफिनेटली करेंगे बट तीसरा वाला हम लोग मिनी मैराथन में, में करेंगे मिनी मैराथन में चैप्टर तो और टारगेट रखेंगे इस हफ्ते में विल कंप्लीट दिस हफ्ते में या अगले हफ्ते के एक दो दिन के अंदर हम लोग उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे आइए चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर कौन सा चल, हाँ जी हाँ जी यस बड़ी आजाद सिद्धार्थ चलिए बेटा चलिए बड़ी चलिए बड़ी चलिए बड़ी सर आज ब्लैक शर्ट में मस्त लग रहे थैंक यू सो मच बड़ी मंगलानी क्रश <laughs> क्या बात है जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया गो फॉर इट फास्ट ताकि शुरू कर सके हम लेक्चर्स को हमारे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यार हाँ जी तो चैप्टर नंबर फोर इज़ अबाउट द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर नंबर फोर किसके बारे में बेटा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में चीज़ समझना जब हम लोग बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है पहले ये समझिए फाइनेंशियल मार्केट आज मेरे को बताओ हम हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है सेविंग जो पड़ी हुई है उसको हम क्या करते हैं उसको हम इन्वेस्ट करते हैं सेविंग को क्या करते हैं है ना इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या बोलता है पहले ये समझिए फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है जी हाँ बिल्कुल है उस पैसों को हम सेव करके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं जैसे हम लोग शेयर मार्केट में डाल देते हैं नहीं तो इससे हम म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं नहीं तो और कुछ नहीं तो हम सोना खरीद लेते हैं और कुछ नहीं तो उससे हम लोग क्या करते हैं बैंक का एफ बना देते हैं अब मेरी बात समझना मैंने क्या किया बैंक को एफ डी दिया मैंने क्या किया बैंक में एफडी दिया ठीक है मतलब बैंक में मैंने पैसा रखा बैंक उस पैसे को क्या करती है जो जिनको बिजनेस करना होता है जिनको लोन लेना होता है उनको लोन देती है ठीक है अब वो लोन लेके क्या करेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम धंधा चालू करेंगे कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे और वहां से बिजनेस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये पैसों का फ्लो चलते रहता है ये पैसों का फ्लो क्या होते रहता है चलते रहता है इट इज लाइक यू नो क्या नाम बेटा तेरा समर्थ इधर आजा आजाद आजा बेटा पहला ही दिन है तेरे को यहां बुला रहा हूं आगे समर्थ बाबू देखते हैं दोस्तों ये समर्थ जो है हाँ ट्रांसफर करना था ना हाँ हाँ दे, दी ना, दे दी ना, हाँ, दिया ना ठीक है हाँ ठीक so, दिया अभी क्या है सो so, uh, समर्थ है और एक साइड में मैं हूँ एक साइड में समर्थ है और एक साइड में मैं हूँ समर्थ के बाद बहुत पैसा इतना पैसा भाई के पास इतना पैसा है ना बहुत ज़्यादा पैसा इसने बाथरूम में टाइल्स नहीं लगाई है इसने बाथरूम में नोट को लेमिनेट कर करके नोट चिपकाया हुआ है ताकि नहाते टाइम भी अमीरों वाली फीलिंग आए गुस्सा आता है तो ऐसा पानी भी फेंक देता है लेकिन लेमिनेटेड है तो दिक्कत वाली बात नहीं है तो भाई साहब बहुत पैसा है इसके पास इतना पैसा इतना पैसा इतना ज़्यादा पैसा है कि मैं क्या ही बताऊँ कितना ज़्यादा पैसा है किसके पास समर्थ के पास बहुत पैसा है बहुत ज्यादा पैसा समर्थ के पास ठीक है अब इस सिचुएशन में हुआ हूँ समर्थ और मेरे को जरूरत है पैसों की जरूरत मतलब मैं गरीब नहीं हूं मैं भी पैसा है मतलब मेरे को जरूरत है बिजनेस करने का मैंने सोचा यूनिक एकेडमी की ब्रांचेस खोल देते हैं पंद्रह बीस पचास सौ ब्रांचेस खोल देते हैं तो मैं समर्थ भाई साहब के पास गया भैया दिख नहीं रहा तो मैं समर्थ भाई के पास गया समर्थ भाई समर्थ भाई मेरे को तुम्हारे से थोड़ा सा क्या चाहिए पैसा चाहिए समर्थ भाई मेरे को क्या चाहिए थोड़ा सा पैसा चाहिए समर्थ भाई बोले सर दे देंगे ना बिल्कुल दे देंगे कितना चाहिए मैंने बोला यही कोई दस करोड़ रुपए चाहिए कितने चाहिए दस करोड़ समर्थ ने मेरे को दस करोड़ दस करोड़ रुपए दिए इस से इसने बोला सर इंटरेस्ट लूंगा दस टका कितना टेन परसेंट इंटरेस्ट लूंगा मैंने बोला जा दिया जी ले अपनी जिंदगी तो इसने मुझे पैसा दिया उस पैसों से मैंने धंधा किया बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या मैं बोल सकता हूं सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गई इसका जो सेविंग का पैसा था वो पैसा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुआ उस इन्वेस्टमेंट से मैंने क्या किया धंधा चालू किया तो उस इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ा तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा नेशनल इनकम होगा उतना ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा तो सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए और प्रोडक्शन इनकम में कन्वर्ट होना चाहिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम क्या बोलते हैं इसको फाइनेंशियल सिस्टम अब फाइनेंशियल सिस्टम में बैंकिंग सिस्टम आता है फाइनेंशियल सिस्टम में कैपिटल मार्केट आता है कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट आता है है ना फाइनेंशियल सिस्टम में ये सारी चीजें कवर होते हुए चलती है करेक्ट है कि नहीं है यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल सही बात है कोई दिक्कत ही नहीं है हाँ सर हाँ सर हेलो 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 ठीक है चले कोई दिक्कत नहीं है पैसे में अंधा हो चुका है हाँ चले कोई दिक्कत नहीं है सो so, क्या बोला गया है मेरी जान पान की दुकान बड़ी 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 है so, सो क्या बोला क्या गया है कि भैया पैसों का क्या होते रहता है लेन देन होते रहता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम क्या बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं एक मिनट रुको पुष्करा सर का फोन आ रहा है हाँ सर हाँ पहले जो इतने बना हाँ बेटा सो तो क्या बोला गया है फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम बहुत जरूरी है फाइनेंशियल मार्केट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है जितना हमारा फाइनेंशियल मार्केट डेवलप होगा उतना ही हमारे देश की ग्रोथ होगी आज हम लोग बात करते हैं कि भैया हमारी इकोनॉमी है ना फाइव ट्रिलियन पे पहुंच रही है हम लोग बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है तो ये होना बहुत जरूरी है तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है पहला होता है मोबिलाइजिंग ऑफ फंड क्या होता है बेटा मोबिलाइजिंग का मतलब इकट्ठा करना मोबिलाइजिंग का मतलब क्या हो गया पैसों को इकट्ठा करना फिर उसके बाद में आपने लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल होल्डिंग मतलब उस पैसों को आपने कहीं ना कहीं क्या किया इन्वेस्ट किया अब देखो फाइनेंशियल मार्केट के अलग अलग टाइप्स है स्टॉक मार्केट है ओवर द काउंटर है बॉन्ड मार्केट है मनी मार्केट है डेरिवेटिव है फॉरेक्स है कमोडिटी है क्रिप्टो करेंसी है बट ये सब हम बाद में देखेंगे पहले हम फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की पहला हम किसकी बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर ये थोड़ा सा हाई लेवल है तो थोड़ा वक्त जाने तो उसके बाद हम देखेंगे स्टार्टिंग का पहले आ जाओ फाइनेंशियल सिस्टम में हम लोग क्या देखने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर क्या देखने वाले हैं बोलो बेटा बैंकिंग सेक्टर करेक्ट है सर डिसमेंट ड्रोड एडमिट कार्ड कब आएगा कल तक आ जाना चाहिए आज शाम तक ही अपडेट आ जाएगा मोस्टली कल तक आ जाएगा ठीक है तो चलिए लेट स्टार्ट विद द बेटा आपका बैंकिंग सेक्टर किससे स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सेक्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर क्या है है मेरी बात समझना बैंक जो है वो अंग्रेजों ने डेवलप किया था तो आपको तो पता ही है बैंक किसने डेवलप किया हमारे गोरे चिट्टे लोगों ने अंग्रेजों ने बैंक डेवलप किया जब अंग्रेज देश में आए थे तो उन्होंने तीन बैंक बनाए पहले एक है बैंक ऑफ बंगाल एक है बैंक ऑफ बॉम्बे और एक है बैंक ऑफ मद्रास तो अंग्रेजों ने कितने बैंक बनाए भैया तीन, अरे भाइयों और बहनों अंग्रेजों ने कितने बैंक बनाए बेटा तीन कौन से तीन बताइए बैंक 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 ऑफ 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 बंगाल बॉम्बे मद्रास एंड थ्री उसके बाद में इन तीनों की शादी हो गई क्या हो गई तीनों की शादी अरे ये तो थ्री सॉरी ऑसम हो गया मतलब तीनों बैंक की शादी हो गई और शादी होके बन गया इंपीरियल बैंक देखो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं मर्जर क्या बोलते हैं मर्जर मतलब दो कंपनियां तीन कंपनियां एक साथ आती है उसको बोलते हैं मर्जर हाल ही में किसका मर्जर हुआ बेटा अगर हम बात करें और PBR का मर्जर हुआ किसका डी और सी का ठीक है एसडीएफसी एसडीएफसी बैंक और SDFC का मर्जर हुआ तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों तो ये तीन बैंक पहले अंग्रेजों ने तीन बैंक बनाए कौन से कौन से बैंक जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करें बुक्का मार देना है कौन से तीन बैंक बताइए पहला बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास और ये तीनों मर्ज हो गए और बन गया कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक और इंपीरियल बैंक अमल कमिशन मतलब ही मर्जर बेटा इस बैंक को टेकन ओवर बाय एस इन नाइनटीन फिर इंपीरियल बैंक का नाम हमने बदल के इसको किसने टेक ओवर कर लिया एस बी आई दैट इज वॉट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर लिया भैया टेक ओवर कर लिया किसने टेक ओवर कर लिया आपका एस बी आई ने टेक ओवर कर लिया सो so, बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कितने बैंक अंग्रेजों ने स्टैब्लिश किया तो बोलो कितने तीन कौन से तीन बंगाल बॉम्बे मद्रास हा फिर तीनों का मर्जर हो गया कौन सा बैंक बना तीनों का मर्जर कौन सा इम्पीरियल इंपीरियल बैंक को नाइनटीन में किस में हो गया कन्वर्ट एस देखो पहले ना ये इंपीरियल बैंक सब देश का काम देखता था इंपीरियल बैंक देश का बैंक का काम देखता था लेकिन 1935 में एंट्री हुई किसकी हुड दबंग 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 आरबीआई की किसकी एंट्री हुई आरबीआई ठीक है ना सर एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिस एंड कैसल प्रैक्टिस यस ये हफ्ते में कराने वाला हूँ बेटा ठीक है ओके सो दोस्तों क्या हुआ बेटा इंडियन बैंक में कौन आ गया आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मतलब कौन बेटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भी जाता हूं तो मिनट में नीचे जाके सो so, आरबीआई बेटा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना पढ़ने बैठ जा तू आर इस आई बेटा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है सर बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है फिर जुलाई 9 जुलाई 19 1969 को 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ ना एक वर्ड समझना जिसको बोलते हैं नेशनलाइज करना क्या करना नेशनलाइज करना नेशनलाइज का मतलब होता है जब आपका कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट लेता है उसको हम बोलते हैं नेशनलाइज उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेशनलाइज जब आपका कंट्रोल कौन ले लेता है गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेता है उसको क्या बोलते हैं नेशनलाइज तो 1969 में कौन से नाइन में बेटा 1969 में नेशनलाइज हुआ और 14 मेजर बैंक जो थे जिसके पास डिपॉजिट था मोर देन 50 करोड़ उसको नेशनलाइज कर दिया गया डेट याद रखना 1969 सिक्सटी नाइन जुलाई 1969 कब हुआ बेटा बताओ 19 जुलाई 1969 को कितने बैंक नेशनलाइज हुए 14 बैंक मतलब क्या होता है नेशनलाइज मतलब जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है सम्राट किसका बेटा जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है उसको हम बोलते हैं क्या होना नेशनलाइज होना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बड़ी नेशनलाइज होना ऐसे चालू है क्या चालू सासू चालू है है ना कुछ भी चालू है चालू है बोलते हैं हाँ जी तो नेशनलाइज कब हुआ बोलो 1969 19 जुलाई को फर्स्ट जुलाई नहीं 19 जुलाई 1969 को कितने बैंक नेशनलाइज हुए चौदह बैंक नेशनलाइज हो गए बहुत बढ़िया फिर 1980 में कब बेटे 1980 में कब बाबू 1980 के अंदर हमने छह और बैंकों ने किया Six और मोर बैंक की अगर so हम बात करें तो डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ अब कितने बैंक का कौन से कौन से बैंक का नेशनलाइज हुआ यह नाम याद रखने की जरूरत नहीं है पहले बात करें उन्नीस में इक्कीस में क्लोज मार्केट था एक ही बैंक था जिसका नाम क्या था इंपीरियल बैंक 1925 देखो जैसे मोबाइल आया मोबाइल आते ही ऐसा ही मोबाइल आया क्या स्मार्टफोन आया क्या या पहली बार जब मोबाइल आया होगा तो सादा फोन था फोन उठाना फोन रखना दो ही चीजें आती थी या उसके अंदर वो सांप वाला गेम आता था ठीक है ना तो पहले फ़ोन ऐसा था धीरे धीरे फोन में डेवलपमेंट हुआ है ना स्क्रीन बड़ी हो गई पहले ऐसा था कि भैया टाइपिंग वाला बड़ा होता था स्क्रीन इतनी सी होती थी फिर धीरे धीरे क्या हुआ स्क्रीन बड़ी होती गई टाइपिंग वाला छोटा फिर कीपैड ही निकाल दिया टच स्क्रीन आ गया तो होले होले क्या हुआ है डेवलपमेंट हुआ है अरे अच्छा खा एग्जाम के टाइम पे मैगी के बीस रुपए देने वाला है पच्चीस रुपए देने वाला है मैगी के तो वही पच्चीस रुपए में साले डीके फ्रूट्स आते हैं छे केले लेके हाँ केले खा साले केला खा केले हाँ सुनना दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना क्या बोला मेरी बात समझना वरना हा ना बीस रुपए की मैगी खा जाएगा फ्रूट आते हैं यार फ्रूट्स खाओ अभी एग्जाम का टाइम है हेल्दी खाना जरूरी है मैगी खाएगा बताओ इसका तबियत खराब था तो बोले सर तबियत खराब है तो क्या खा रहा था तबियत खराब है तो वड़ा पाओ कैसा आदमी है जी आदमी नहीं पजामा है जी ये तो हाँ ना सर आज जोश में नहीं हो खाना नहीं खाएगा सर खाना खाया ना भैया बिल्कुल खाना खाया पेल देंगे जी मतलब बिल्कुल सो so, बोला पहले बताओ बैंक 1921 में कब बेटा 1921 में द मार्केट इज क्लोज मार्केट कौन सा मार्केट था क्लोज मार्केट एक ही बैंक थी कौन सा इंपीरियल बैंक कौन सा बैंक था इंपीरियल फिर क्या हुआ 1935 में कौन आ गया हुड़ हुड़ दबंग 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 मतलब कौन आरबीआई और इंपीरियल बैंक का जो सेंट्रल देखो हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है हमारे देश में कौन सा सेंट्रल बैंक आरबीआई पहले सेंट्रल बैंक कौन होता था इंपीरियल बैंक तो इंपीरियल बैंक वाज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक वाज़ द सेंट्रल लेकिन जैसे ही आरबीआई आया आरबीआई ने इंपीरियल को बोला चल निकल पहली फुर्सत में सेंट्रल बैंक मैं हूं सेंट्रल बैंक मैं हूं तो कौन बन गया सेंट्रल बैंक बोलिए कौन बन गया सेंट्रल बैंक बोलिए बोलिए कौन बन गया बड़ी

कोटक महिंद्रा फाइनेंस कौन बेटा कोटक महिंद्रा फाइनेंस जो एनबीएफसी थी कौन थी बेटा एनबीएफसी एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो बैंक नहीं है बट बैंक जैसा काम करती है उन कंपनियों को क्या बोलते हैं एनबीएफसी एनबीएफसी मतलब कौन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी मतलब कौन बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो एनबीएफसी जो बैंक नहीं है बट बैंक जैसा काम करती है उसको क्या बोलते हैं एनबीएफसी तो पहला एनबीएफसी है जो कन्वर्ट हुआ इनटू द बैंक जिसका नाम क्या है कोटक महिंद्रा फाइनास कौन सा बैंक है बेटा कोटक महिंद्रा एब्सोल्युटली तो कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड उन्होंने बैंकिंग लाइसेंस मिल गया कहां से आरबीआई और इट बिकम द फर्स्ट एनबीएफसी टू बी कन्वर्टेड इंटू बैंक फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लगाया था उसको निकाल दिया गया बाद में और उसके बाद एज पर यूनियन बजट ठीक है इट्स नॉट हाँ जी अब देखो बैंक है ना अलग अलग टाइप के होते हैं बैंक कितने अलग अलग क्या होते हैं बेटा आपके टाइप के होते हैं जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करूं, तो कुछ होता है कमर्शियल बैंक कौन से बैंक कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया बोलो बाप बढ़ाना भैया सर तीनों तीन नंबर वाले पॉइंट फिर से बोलिए तीन नंबर वाला पॉइंट फिर से बोल देते हैं ये वाला इंपीरियल बैंक देखो हर 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 देश में एक Central Bank होता है हर देश में क्या होता है Central Bank. तो पहले हमारा Central Bank कौन सा था? Imperial Bank. फिर मतलब देश का बैंक जो गवर्नमेंट का बैंक होता उसको Central Bank है उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं फिर हुआ यू पिक्चर में आ गई आरबीआई आरबीआई ने इंपीरियल बैंक को बोला चल निकल पहली फुर्सत में यू आर नॉट द सेंट्रल बैंक आप अब सेंट्रल बैंक नहीं हो आप नॉर्मल बैंक हो आप सेंट्रल बैंक नहीं हो आप नॉर्मल बैंक हो और सेंट्रल बैंक कौन बन गया आपका दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है ठीक है कि नहीं है बताइए ठीक है कि नहीं है बताइए चलिए यार बहुत ही बढ़िया 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 अच्छा अब देखो सबसे पहले कमर्शियल बैंक कौन सा बैंक बेटा कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक का मतलब होता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है पैसा कमाना जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है बोलो ना पैसा कमाना है ऐसे बैंक को कौन सा बैंक बोलते हैं कमर्शियल बैंक सो so, कमर्शियल बैंक की अगर मैं बात करूं तो पहले कमर्शियल बैंक में सबसे पहला बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बैंक है पब्लिक सेक्टर अच्छा इस चैप्टर में कहते है ना बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत ही थेरोटिकल दी हुई है थेरोटिकल मतलब सेप्ट नहीं है बहुत सारी चीजें आगे आपको आएगी जहां पे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है तो वी हैव टू उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा और उसको हमें पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना उसको ना ऐसा नहीं पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे शॉर्ट 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 पढ़ेंगे एंड एंड स्वीट पढ़ते हुए चलेंगे ठीक है सो सबसे पहले कौन सा बैंक आया बताइए पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बैंक आया बोलो ना लो पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से बैंक होते हैं नेशनलाइज बैंक नेशनलाइज मतलब जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स इन दीज हेल्ड बाई दी गवर्नमेंट मतलब इसके अंदर मोर देन स्टॉक कौन होल्ड करता है गवर्नमेंट पचास परसेंट से ज्यादा ठीक है इंपीरियल नाम की तो दारू है अरे बेवड़े आदमी मंगलानी क्रश है ढोकले इंपीरियल के नाम की तो दारू है Hmm, चलिए मंगलानी नाम के तो हमारे सर हैं साले हाँ जी सो so, बताइए पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें पहले बताओ पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब कौन से होते हैं इनके पास बैंक होते हैं कौन से बैंक होते हैं ये नेशनलाइज नेशनलाइज मतलब इनका कंट्रोल किसके पास है गवर्नमेंट के पास है कंट्रोल किसके पास है गवर्नमेंट के पास है सर बिल्कुल सही बात है कोई दिक्कत ही नहीं है कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मेजोरिटी ऑफ शेयर्स इसके अंदर कौन कंट्रोल करता है गवर्नमेंट कंट्रोल करता है हाँ या ना इसका एग्जाम्पल बताइए बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इज एस बी आई हाँ या ना एस बी आई चलिए बोल दूसरा है अच्छा पब्लिक सेक्टर के बैंक के नाम दिया देखो टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है बारह कितने बैंक है बेटा बारह टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने बारह याद रखना टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं 봐라 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है टोटल कितने सेक्टर बैंक है बेटा 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है चलिए सर बहुत बढ़िया जी बढ़िया 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 एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट बहुत ही जोरदार बहुत ही शानदार बहुत ही खतरनाक बहुत ही जोरदार आपने बात करी है जी आओगे जी अब देखो पब्लिक सेक्टर बैंक के बाद में दूसरा कौन सा आ गया प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर के बाद में कौन सा आ गया बेटा प्राइवेट सेक्टर बैंक सर व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब होता है जिनका कंट्रोल जिनका कंट्रोल जिनका क्या कंट्रोल प्राइवेट शेयर होल्डर के पास है जैसे कि आईसीआईसीआई नाम तो सुना ही होगा आईसीआईसीआई इज अ ट बैंक होल्डर ऑल द बैंकिंग रूल डाउन टू प्राइवेट सेक्टर को भी लगते okay? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्राइवेट बैंक नहीं है उसमें से फेमस प्राइवेट बैंक कौन सा एक्सिस है इंडसलैंड बैंक है ये ओल्ड प्राइवेट बैंक है दोस्तों अच्छा प्राइवेट बैंक टोटल मिला के कितना है टोटल मिला के इक्कीस प्राइवेट बैंक है पहले बाईस था लेकिन अभी मर्जर हो गया दो बैंक का अब कितने हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक है इक्कीस प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने भैया ट्वेंटी वन कितने बेटा ट्वेंटी वन अच्छा ये दोनों इंस्टीट्यूशन होल्ड करना तीसरा पहले पढ़ते हैं रीजनल रूरल बैंक कौन सा बैंक पढ़ी रीजनल रूरल बैंक पहला कौन सा देखा हमने प्राइवेट बैंक फिर दूसरा कौन सा देखा पब्लिक बैंक है ना प्राइवेट देख लिया पब्लिक देख लिया अब हम लोग क्या देखने वाले हैं मेरी जान बताइए रीजनल रूरल बैंक बैंक कौन सा बेटा बताऊ ना रीजनल रूरल बैंक तो जब हम रीजनल रूरल देखो नाम से क्या समझ में आता है रीजनल रूरल ये रूरल मतलब गांव रूरल का मतलब क्या होता है बेटा गांव तो गांव के विकास के लिए गांधी जी ने कहा था मुझे कहा था कान में मेरे और मैं आपको बता रहा हूं गांधी जी ने कहा था कि अगर इंडिया का विकास चाहते हो किसका विकास चाहते हो तो गांवों का विकास करो किसका विकास करो गांव का सो so, अगर गांवों का विकास करोगे तो ऑटो में टकली हो जाएगा विकास किसका देश का क्योंकि गांव में सत्तर परसेंट आबादी गांव में रहती है तो गांव में बैंकिंग सर्विसेज लाने के लिए हमने क्या स्टेब्लिश किया रीजनल रूरल बैंक क्योंकि ये गांधी जी ने बोला था तो बापू के बर्थडे के दिन किसके बर्थडे के दिन बापू जी का बर्थडे कब आता है बापूजी मतलब जेठालाल वाले बापूजी नहीं थे बेटा हमारे देश के बापूजी गांधी जी का बर्थडे का बात है दो अक्टूबर बहुत सही बात है ये, ये इसको आशा को पता है बोले सर दो अक्टूबर को दारू नहीं मिलती एक अक्टूबर को ही हम स्टॉक कर लेते हैं चलिए ठीक है तो क्या हुआ ना सेकेंड अक्टूबर को कब बेटा हम कहे सेकेंड ऑक्टोबर नाइनटीन को कभी सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन सेवेंटी फाइव को गांधी जयंती थी दो अक्टूबर को obviously बात है गांधी जयंती आती है उस दिन हमने एक ऑर्डिनेंस पास किया क्या पास किया हमने ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस पास करके हमने क्या किए रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश किया समझना एकदम आराम से आ, पहले तो ऑर्डिनेंस का पास हुआ 26 सितंबर 1975 कब सब ऑर्डिनेंस का पास हुआ सर ये लालू जी कहते थे नहीं बेटा हमारे को गांधी जी बोल के कहते थे लालू जी नहीं बेटा है ना लालू जी नहीं बोले हमको गांधी जी बोले थे तेरे को लालू जी ने बोला होगा तू उनका सुन लेना लेकिन मेरे को गांधी जी बापू ने बोला करने का तो करने का तो बापू बोले देखो एक होता है ऑर्डिनेंस आपको पता है लॉ का आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है मोदी सर ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया ना आपको अच्छा एक होता है एक्ट और एक होता है ऑर्डिनेंस बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस एक्ट और ऑर्डिनेंस का डिफरेंस बताइए एक्ट और ऑर्डिनेंस का डिफरेंस बताइए एक्ट बनता है पार्लियामेंट में कहा बनता है एक्ट कहां बनता है हा और पार्लियामेंट जब सेशन पार्लियामेंट जब बंद रहता है तो आपके प्रेसिडेंट कानून बना सकता है अर्जेंट बेसिस पे उस कानून को बोलते हैं ऑर्डिनेंस क्या बोलते हैं हाँ वापस से एक्ट कहां बनता है पार्लियामेंट में लेकिन पार्लियामेंट जब बंद है पार्लियामेंट में काम ही नहीं हो रहा है और अभी कोई लॉ पास करना जरूरी है तो क्या पास किया जाता है ऑर्डिनेंस और वो ऑर्डिनेंस कौन पास करता है प्रेसिडेंट तो 26 सितंबर 1975 को ऑर्डिनेंस पास हुआ और आरआरबी एक्ट बना 1976 में मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल कब मिला 1976 में लेकिन ऑर्डिनेंस हमने कब पास कर दिया था 1975 और हमने 2 अक्टूबर को क्या बनाया भैया रीजनल रूरल बैंक बनाए बापू के बर्थडे के दिन हमने रीजनल रूरल बैंक बनाया क्योंकि बापू जी ने बोला था सेवेंटी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन कहा रहती है रूरल एरिया में रहती है तो गांधी जयंती के ओकेजन के ऊपर हमने पहला जो बैंक बनाया जिसका नाम है प्रथमा बैंक, क्या गया है? प्रथमा बैंक. कौन सा बैंक बनाया हमने प्रथमा बैंक कहाँ पे मुर्दाबाद में मुरादाबाद में मुर्दाबाद नहीं है साले हाँ वो तो पाकिस्तान मुर्दाबाद है हाँ तो मुरादाबाद में क्या बनाया हमारा यूपी के अंदर क्या बनाया बेटा पहला रीजनल रूरल रूरल बैंक बनाया जिसका कैपिटल कितना था पांच करोड़ रुपए कितना कैपिटल था बेटा पांच करोड़ रुपए ठीक है सर उसके अच्छा सर इस बैंक के अंदर कंट्रोल किसका होता है तो पचास परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है रीजनल रूरल बैंक में पचास परसेंट कौन कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट थर्टी फाइव परसेंट स्पॉन्सर बैंक कंट्रोल करती है सर रिपीट कर दो कंफ्यूजन हो रहा है ओके okay, इशू जैन के लिए जय टप्पू के पापा पापा से रिपीट कर देते हैं मेरी बात सुनना कौन सा बैंक के बारे में बात कौन सी हो रही है रीजनल रूरल बैंक कौन सा बैंक बोलो ना बाबू रीजनल रूरल बैंक पहले तो बताओ ये बैंक के लिए हमने ऑर्डिनेंस पास किया क्या पास किया ऑर्डिनेंस कब पास किया सितंबर 2000 नहीं 2000 नहीं 1975 में ऑर्डिनेंस पास किया ऑर्डिनेंस कौन पास करता है ये बताओ प्रेसिडेंट क्या पास कौन पड़ता है प्रेसिडेंट तो सितंबर में ऑर्डिनेंस पास किया फिर दो अक्टूबर 1975 को दो अक्टूबर 1975 को हमने क्या बनाए रीजनल रूरल बैंक बना दिए और कितने रीजनल रूरल बैंक बनाए उस टाइम पे पांच बनाए थे जिसमें पहला नाम है प्रथमा बैंक पहले बैंक का नाम क्या है प्रथमा क्योंकि एमसीक्यू में आएगा फर्स्ट रीजल रीजनल रूरल बैंक डैश डैश तो क्या आएगा प्रथमा कौन सा बैंक प्रथमा बैंक फिर ये एक्ट बन गया ऑब्वियसली बात है 1976 में हमने क्या पास कर दिया रीजनल रूरल बैंक एक्ट पास कर दिया ऑर्डिनेंस पहले पास हुआ एक्ट अगले साल पास हुआ ठीक है सर सर रीजनल रूरल बैंक में स्ट्रक्चर क्या होता है सर रीजनल रूरल बैंक का स्ट्रक्चर बताइए तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा है बेटा इस कोई भी रीजनल रूरल बैंक है उसका पचास कौन होल्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पैंतीस कौन होल्ड करता है स्पॉन्सर बैंक जिस बैंक ने पैसा लगाया है जिस बैंक ने क्या लगाया है पैसा जैसे एसबीआई ने अगर आप देखोगे देखो मैं आपको दिखाता है लिस्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बाय एसबीआई ये देखो एसबीआई ने SBI एस बी 14 इज है एस बी आई ने कितने बैंक को स्पॉन्सर किया है चौदह बैंक को इसका पूरा लिस्ट दिया है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक मेघालय रूरल बैंक दीज आर दी बैंक जो किसने स्पॉन्सर किया है एस बी आई ने तो जो बैंक स्पॉन्सर करता है वो थर्टी फाइव परसेंट होल्ड करता है और बचा कितना अभी पंद्रह परसेंट पंद्रह तो परसेंट कौन होल्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में वो बना हुआ है कौन होल्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में वो बना हुआ है तो 50 परसेंट थर्टी फाइव परसेंट पचास परसेंट थर्टी फाइव परसेंट और कितने 15 कितने पंद्रह पॉइंट गॉट द पॉइंट यस और नो बताओ ना बोल दो जरा जरा दिल में है जो बसा हाँ सर बिल्कुल बताए क्या दिक्कत है कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है सर ये भी रूरल और सेमी अर्बन एरिया में देते हैं बाकी सारी फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड करते हैं जो नॉर्मल बैंक है सर एनिमल देख लिया हाँ तुझे देख लिया ना तू एनिमल से कम है साले हाँ है ना बड़ी हाँ। फ्रेंड है ओके डन बताओ रिजन रूरल बैंक क्लियर है आपको नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों सर एनिमल मूवी से अच्छी तो राउंड टू हेल की आधी माना हुआ है डॉन इज रेडी डॉन भाई साहब बाद में रेडी हो ना अभी वक्त नहीं है मेरे पास पनवेल निकलना बहुत जल्दी है मेरे को नेक्स्ट वन है कोऑपरेटिव बैंक कौन से बैंक बेडे कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव बैंक मतलब क्या मेरी बात समझना कोऑपरेटिव बैंक क्या करती है दोस्तों लोगों से शेयर्स बेच के लोगों मतलब कोऑपरेटिव बैंक है ना मेंबर से लोन लेती है और मेंबर को ही लोन दे सर मेंबर से पैसे लेती है और मेंबर को ही क्या देती है लोन देती है बाकी किसी को नहीं देती मतलब कॉपरेटिव बैंक में अगर आपको लोन चाहिए ना तो पहले आपको क्या बनना पड़ेगा उसका मेंबर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा पहले नहीं तो नहीं बन सकते जैसे मैंने ना आई आई बैंक से लोन लिया लेकिन मेरे पास उनका अकाउंट नहीं है चलता है लेकिन कॉपरेटिव बैंक में अगर आपको लोन लेना है तो आपको अपना खोलना पड़ेगा क्या खोलना पड़ेगा आपको अपना कॉपरेटिव आपका अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको क्या खोलना पड़ेगा बड़ी अकाउंट खोलना पड़ेगा समझे क्या सो कॉपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें एकदम आराम से

स्टेट लेवल कॉपरेटिव बैंक कौन सा बना बेटा स्टेट लेवल कॉपरेटिव बैंक तीसरा है आपका प्राइमरी कॉपरेटिव बैंक और चौथा है आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक ऐसे चार टाइप के कॉपरेटिव बैंक होते हैं फर्स्ट वन इज व्हाट बेटा आपका सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक दूसरा इज वार्ड बेटा आपका स्टेट कॉपरेटिव बैंक तीसरा इस व्हाट बेटा आपका थर्ड वन इज वार्ड थर्ड वन इज आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड चौथा क्या है आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक ऐसे चार टाइप के क्या होते हैं कॉपरेटिव बैंक होते हैं इंडिया में सेंट्रल को बैंक का मतलब क्या हो गया दोस्तों ये ऑपरेट करते हैं ऑपरेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं सर समझ नहीं आया कौन सा सो सौ विक सौिक कौन सा कंसेप्ट समझ नहीं आया बाबू कंसेप्ट का नाम बोला बुलाकर साथ में बेटे बोलो बेटे देखो लिस्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक बताता हूं मैं आपको लिस्ट ऑफ देखिए एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र में ही है बहुत सारी देखो क्या नाम लिखा हुआ है भीमा शंकर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड मंगलानी क्रश मैंने बुक्का मारना तेरे को <laughs> दूसरा भूसावल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक।, बैंक, बैंक दादा साहेब कबरे नागरिक सहकारी बैंक ठीक है ना सो दीज आर दी कोऑपरेटिव बैंक इन महाराष्ट्र का लिस्ट है बेटा अच्छा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मतलब क्या जो एक से ज्यादा स्टेट में ऑपरेट करती है उसको क्या बोलते हैं मल्टी स्टेट मल्टी स्टेट मतलब जो एक से ज्यादा यहां पे क्या करती है एक से ज्यादा स्टेट में कॉपरेट करती है बेटा सो कॉपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें कितने बैंक है कॉपरेटिव बैंक ये बताइए कितने टाइप के बैंक है चार पहला कौन सा सेंट्रल दूसरा स्टेट तीसरा प्राइमरी एग्रीकल्चर और चौथा लैंड डेवलपमेंट बैंक फोर टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव बैंक इन इंडिया चार टाइप है इंडिया में पहला कौन सा आपका सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक बैंक कहाँ ऑपरेट करते हैं ये ऑपरेट करते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहावल पेस और नो ठीक है सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लेंड मनी मेनली टू एफिलियेटेड प्राइमरी सोसाइटी टिपिकल लोन टेन यूर एंडिंग बिटवीन वहां और ये लोन किसको देते हैं बेटा सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लोन किसको देते हैं सोसाइटी लोन देते हैं प्राइमरी सोसाइटीज जो होती है एफिलिएटेड एफिलियेटेड रजिस्टर्ड तो उनको लोन दिया जाता है और जिसका टेन्योर कितना होता है नॉर्मली एक से तीन साल का नॉर्मली इनका टेन्योर कितना होता है एक से तीन साल ये कॉपरेटिव ये वाला मेरा भैया कॉपरेटिव सोसाइटी का गाँव में रूरल में लोगों को लोन नहीं देते दे थे उसको इंकरेज करने के लिए हमने क्या लाया कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट लाया 1904 में और ऑब्जेक्टिव इतना ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेटिव सो, क्रेडिट सोसाइटी बनाए जाए ताकि उनको लोन मिल दे ताकि उनको क्या मिले लोन मिले गाँव में लोन के लिए हमने क्या स्टेब्लिश किया कॉपरेटिव सोसाइटी दूसरा देखो कौन सा है बेटा स्टेट कॉपरेटिव तो ये कहाँ पर होगा बेटा आपका ये ऑपरेट करता है कहाँ पर

हम्म मैं एक बार देखता हूं ना ठीक है तो क्या होगा हम किससे लोन लेंगे आरबीआई से और लोन लेके किसको देंगे लोगों को तो आरबीआई हमको वन परसेंट और टू परसेंट सस्ते में देता है ठीक है ना हाँ सर हाँ क्यों क्या हुआ अच्छा ठीक है निखिल आ रहा है तो आते थे लेके आएगा रुको मैं बात करता हूँ उससे बेटा एक मिनट रुकना निखिल मारो फ़ोन लेकर आ जाते तो टाइम रुकोगी अरे अरे ठीक है स्टेट कॉपरेटिव बैंक तो इनको एक से दो परसेंट सस्ता मिल जाता है कहां से आरबीआई से तीसरा है प्राइमरी कोऑपरेटिव एक मिनट यार फंड ट्रांसफर करना है हेलो लास्ट टाइम लास्ट में लास्ट टाइम आपने कौन सा अकाउंट स्टार्ट किया था मम्मी के अकाउंट हाँ जी सो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है जो बेसिकली uh, कहाँ पे कॉपरेट करती है सेमी अर्बन एरिया में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक का मतलब हो गया जो क्या कहाँ करती है बेटा बेसिकली अर्बन एरिया में लोन देती है ये रूरल एरिया का नहीं है ये क्या नाम इसका काम क्या है अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया ये गाँव में लोन नहीं देती है ये किसको लोन देती है अर्बन एरिया एंड सेमी अर्बन एरिया में लोन दिया जाता है ठीक है ना अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया में लोन दिया जाता है एंड येस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनको हम एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी नहीं बोलते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर को लोन देते हैं क्यों क्योंकि ये एग्रीकल्चर को लोन देते ही नहीं ये कहां लोन दे रहे हैं अर्बन एरिया में एंड सेमी अर्बन एरिया में चौथा लैंड डेवलपमेंट बैंक लैंड डेवलपमेंट मतलब जगह को डेवलप करने के लिए मेरे पास जगह है है ना बट वहां पर क्या नहीं हो रहा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उस जगह को डेवलप करने के लिए मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं उसमें क्या करूँ उसको उपजाऊ बना जाऊ फर्टिलिटी इंक्रीज करा सकूं तो उसके लिए लोन जो देते हैं उसको बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक और जितने भी लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो उसको कौन देखता है नाबार्ड हाँ, एक एमसीक्यू में आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक को कौन कवर करता है तो कौन कवर करता है नाबार्ड नाबार्ड इज व्हाट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इज व्हाट बेटा आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ठीक है चलिए स्टॉप फॉर द डे आज के लिए काफी है अभी मोदी सर का लेक्चर होगा बेटा एक पंद्रह मिनट से वन को तो मोदी सर वन को लेंगे टेक केयर गुड नाइट स्ट्री